हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सीए गुरु गुप्ता आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूं अगेन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को लेकर। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। चल आइए देखते हैं। ओके, हमने आपको पिछले सेशन में जो डिस्कस किया था, जस्ट ब्रीफ ले लेता हूं थोड़ा सा। मैंने बताया था लॉ, लॉ क्या है बेटा? लॉ इज अ नथिंग बट रेगुलेटिंग ह्यूमन कंडक्ट। कोई भी कंडक्ट हो, कोई भी एक्ट हो, उसे रेगुलेट अगर करना है तो उस रेगुलेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? लॉ बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ रूल्स। रूल्स हमने बताया था आपको। अच्छा बताओ जरा फटाफट से, अगर मैंने बताया था रूल्स कौन लाता है बेटा, फ्रेम कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अमेंडमेंट कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये सेंट्रली अप्लाइड होता है। तो यहाँ पे जो पूरा का पूरा जिम्मेदारी है वो किसने लिया है बेटा? मोदी जी ने लिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया है। प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स किसके थ्रू आएंगे बेटा? सेक्शंस के थ्रू। आया बात समझ में? तो जो लॉ है वो आपको दो चीज़ें देगा बेटा। लॉ दो चीज़ें देगा, क्या देगा? एक तो देगा सेक्शन, दूसरा क्या देगा बेटा? रूल्स। अच्छा लॉ कौन देगा, जल्दी बोलो फट से। सेक्शंस और रूल्स किसने दिया बेटा? रूल्स तो दिया बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट ने। रूल्स किसने दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया। ओके, और सेक्शन किसने दिया बेटा? पार्लियामेंट ने दिया। आई होप आई एम क्लियर। यस, तो सेक्शन किसने दिया बेटा? पार्लियामेंट ने। रूल्स किसने दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ओके, और क्यों लॉ क्यों चाहिए बेटा बताएं? इसने टू सिक्योर व्हाट? जस्टिस, पीसफुल लिविंग एंड सोशल सिक्योरिटी। आप समाज में सिक्योरिटी के साथ रह पाएं, सुकून से रह पाएं, इसलिए हमें लॉ ज़रूरत है। अच्छा, लॉ तो बहुत सारा होता है बेटा, जैसे इंडियन पेनल कोड है, ठीक है, क्रिमिनल कोड है, ओके, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, बराबर। बट ये सारी चीज़ें अपने को पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अपन चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए जो अपने प्रोफेशन से रिलेटेड है वो सारे लॉ यहाँ पे अप्लाई होंगे। तो एक उसमें से लॉ आता है बेटा मर्केंटाइल लॉ। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मर्केंटाइल लॉ? मतलब लॉ रिलेटेड टू बिजनेस। क्या बोल रही है? लॉ रिलेटेड टू व्हाट? बिजनेस। लॉ रिलेटेड टू व्हाट? बिजनेस। अब बिजनेस के इन्वायरमेंट में कौन कौन से लॉ लगते हैं? बिजनेस के इन्वायरमेंट में कौन कौन से लॉ लगते हैं? देखो, वेरियस ब्रांचेस ऑफ लॉ। टैक्स लॉ है, लेबर लॉ है, बिजनेस लॉ है। मर्केंटाइल लॉ, कॉमर्शियल लॉ, बिजनेस लॉ इज दैट ब्रांच ऑफ लॉ विच रेगुलेट्स, कम ऑन, बिजनेस एंड कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन। तो ये जो लॉ है बेसिकली किसको कंट्रोल करेगा बेटा? बिजनेस एंड कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन को। जैसे एग्जाम्पल मैं बोलता हूं, समझना जरा। आपने कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन कौन कौन से हो सकते? परचेज द गुड्स, सेल्स द गुड्स, बराबर है, सैलरी पेमेंट, राइट। देन इसके बाद रेम्यूनरेशन, पेड टू व्हाट? डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, बराबर है, पेमेंट टू क्रेडिटर, प्रॉफिट टू पार्टनर्स, बहुत सारी चीजें, ठीक है। अब मेरी बात आप समझना, यहां पे ये बोल रहा है साहब वेरियस ब्रांचेस ऑफ लॉ होते हैं। ओके, सो बेटा जब मैं बात कर रहा हूं बिजनेस के लिए, बताओ जरा क्रेडिटर्स हो सकते हैं क्या? पार्टनर्स हो सकते हैं क्या? डायरेक्टर्स हो सकते हैं क्या? डेटर्स हो सकते हैं क्या? yes. ठीक है। अब ये बोलता है अगर आप क्रेडिटर को पेमेंट करते हो, क्या करते हो? क्रेडिटर को पेमेंट करते हो, और आप प्रोपराइटर हो, आप क्या हो बेटा? प्रोपराइटर, मतलब सिंगल ओनर है, और आप क्रेडिटर को अगर पेमेंट करते हो, ये ट्रांजैक्शन उस बिजनेस का जहां पे सिंगल ओनर है,
मतलब आपने क्रेडिटर के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन किया, मतलब आपने उसके साथ अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बनाई, बनाई या नहीं बनाई? बनाई। अब बताओ, आज आपने उसके साथ अंडरस्टैंडिंग बनाई, आपने बोला कि मैं तुमसे 5 लाख रुपए का अनार खरीदना चाहता हूं, हो सकता है 5 लाख रुपए के शूज खरीदना चाहता हूं, 5 लाख रुपए के कपड़े खरीदना चाहता हूं। अब उस बंदे ने, आपने उससे बोला कि मैं चाहता हूं खरीदना, बोले ठीक है साहब मैं दे सकता हूं, बोले ठीक है बनाओ, मैं 5 लाख रुपए दूंगा जब आप मुझे पूरा गुड्स आप दे दोगे। बंदे ने उसके कहने पे 5 लाख रुपए के गुड्स बना दिए, ठीक है, और 5 लाख रुपए गुड्स बनाने के बाद उसको बोला कि सर आपका गुड्स बन गया, आ जाओ ले जाओ। उसने बोला साहब मैंने कहाँ बोला था गुड्स बनाने, मैंने तो बस ऐसे ही मजाक किया था तुम्हारे साथ, तुमने तो सीरियस ले लिया। भाई साहब तुम्हारे मजाक के चक्कर में तो 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया उसका, क्योंकि अब उसको कस्टमर कहाँ पे मिलेगा, है ना? अब बताओ क्या वो बंदा इस धोखेबाजी के लिए पुलिस में कंप्लेन कर सकता है क्या? साहब देखो इसने मेरे से बोला था 5 लाख रुपए गुड्स बनाने के लिए, मैंने बनाया आप खरीद नहीं रहा। पुलिस वाला बोला साहब सबूत क्या है, एविडेंस क्या है? बोले साहब कोई एविडेंस नहीं है। बोले क्या बात कर रहे, 5 लाख रुपए का एविडेंस नहीं तुम्हारे पास? नहीं साहब हमने तो दोस्ती में कर दिया, इसकी वैल्यू थी मार्केट में, बिजनेस चल रहा था, इसने बस मुंह से जुबानी बोला और मैंने मान लिया। साहब उसने जुबान से बोला आपने मान लिया? बोले हाँ। बोले इसका प्रूफ कहाँ है? क्यों जुबान तो गई, हमें तो पता ही नहीं, आपने रिकॉर्डिंग की क्या? बोले नहीं। लिखित में लिया? बोले नहीं। बोले साहब लेना चाहिए था ना, मैं केस कैसे करूं इस पे? बात अटक गई। बोले बात तो सही है। तो बोले जब भी कोई भी आप बिजनेस ट्रांजैक्शन करो क्या होना चाहिए, उसमें एग्रीमेंट होना चाहिए, रिटेन, जो भी आप बोलो, जो भी आपकी बातें हो, जो भी आपकी बातचीत हो, वो किसमें होना बेटा, रिटेन में, राइट? उसने बोला 5 लाख का गुड्स चाहिए, लिखो कि इसको 5 लाख रुपए का गुड्स चाहिए। बोले कब तक में डिलीवरी देना है, लिखो। कैसे डिलीवरी दोगे, लिखो। सारी चीजें लिखित में होना चाहिए, और इस लिखित दस्तावेज को हम बोलते बेटा एग्रीमेंट। क्या बोलते बेटा? एग्रीमेंट बोलते। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, तो ये सारी चीजें, अब ऐसा होना चाहिए कौन बताएगा? है बात समझ में? तो ये शिकायतें कहाँ पे गई बेटा? गवर्नमेंट के पास गई। गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल तैयार किया पार्लियामेंट को कि भाई साहब इस तरीके के बिजनेस पॉसिबल नहीं है, कोई भी कभी भी धोखा दे सकता है, इसलिए कोई भी ट्रांजैक्शन किया जाए तो उसके लिए एग्रीमेंट का होना जरूरी है। एग्रीमेंट कैसे होना चाहिए, उसमें क्या क्या कंटेंट होनी चाहिए, ये सारी चीजें मोदी जी ने पूरा का पूरा एक्ट बना दिया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अब बताएगा कि अब जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो किसमें होगा बेटा, एग्रीमेंट, बराबर? तो अब जो भी प्रोपराइटर क्रेडिटर से डील करेगा, डेटर से डील करेगा, क्या होना चाहिए बेटा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और मैंने बताया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का प्रपोजल अब एक्ट बनेगा, वो 3 महीना, समझ में आया क्या? वो 3 महीना। तो जैसे ये 3 महीने यहां पे प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे, राइट, आपका प्रपोजल एक्ट बन जाएगा, और अब हर एक बिजनेसमैन को उस एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब एग्रीमेंट बनाना है तो अपने हिसाब से नहीं बना सकता, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जितनी चीज़ें लिखी हुई है वो सारी चीज़ें आपके एग्रीमेंट में होनी चाहिए, ठीक है? अब बताओ पार्टनर, बिजनेस बढ़ाए, आपके पास सफिशियंट पैसा नहीं था तो आपने बोले यार 2-3 लोगों को और शामिल कर लेते, बिजनेस में एक फंड आ जाएगा, अच्छा बिजनेस कर सकते। तो जब आप पार्टनर को बिजनेस इनविटेशन दे रहे हो कि आओ हम आपके साथ प्रॉफिट शेयर करेंगे, बोले साहब एग्रीमेंट करो, बोले ठीक है एग्रीमेंट कर लो,
बोले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, समझ में आ रहा है क्या? क्या आएगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बोले नहीं साहब, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यहां पे अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्यों नहीं होगा भाई? तो ये बात उन्हें बोला, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई नहीं होगा। तो उन्हें बोला यहां पे जो है, जब आप ध्यान से समझना बेटा, जब एक पार्टनर, क्या बोला मैंने, जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के साथ एग्रीमेंट करेंगे, यहां पे क्या था बेटा, क्रेडिटर इज नॉट अ ओनर ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज, प्रोप्राइटर इज द ओनर। तो यहां पे जब एक बंदा किसी बिजनेस के बाहर वाले बंदे से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है तो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आ सकते हो, बट जब एक ओनर दूसरे मतलब उसी बिजनेस के सेम ओनर के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेगा, साथ में बिजनेस करने जैसा, आ रहा है बात समझ में भाई, आप प्रोप्राइटर क्रेडिटर के साथ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं करेगा, आ रहा है बात, बट एक पार्टनर क्या, दूसरे पार्टनर के साथ प्रॉफिट, यस। तो डेफिनेट यहाँ की जो अंडरस्टैंडिंग है और जो एक प्रोप्राइटर क्रेडिटर की अंडरस्टैंडिंग, दोनों में फर्क है, आ रहा है बात समझ। तो एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर के साथ अगर एग्रीमेंट में जाना है तो इसने बोला साहब नहीं, यहां पे एग्रीमेंट जाने के लिए आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही नहीं बल्कि पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की 1932 में ये एक्ट बना था, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो भले ही बिजनेस ट्रांजैक्शन हो बेटा, मतलब कहने का ये हो गया कि इंडियन है, सारे एग्रीमेंट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से नहीं बनेंगे। मतलब जिस बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए हमने कुछ सेपरेट एक्ट बनाए हुए हैं, आप उस सेपरेट एक्ट को फॉलो करके ही आप एग्रीमेंट करोगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सिर्फ हम वही चीजें शामिल करेंगे जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है, जो चीजें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में शामिल नहीं है या किसी दूसरे एक्ट में पहले से ही दर्ज है तो हम उस दूसरे एक्ट को शामिल करेंगे। आई बात समझ में? हम देखो गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, साहब हम आपको इनकम टैक्स देंगे, तो क्या आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से इनकम टैक्स लोगे? क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है आपको इनकम टैक्स रेट कितना लगेगा, इनकम टैक्स कितना, टैक्सेबल इनकम कितना होना चाहिए? नहीं, ये कौन बोलता है बेटा, इनकम टैक्स बोल। तो यहाँ पे जो एक कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है गवर्नमेंट के साथ वो किसके हिसाब से बन रहा है बेटा, इंडियन सॉरी इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से बन रहा है। तो जहाँ पे जिस ट्रांजैक्शन के लिए हमने अगर कोई स्पेशल एक्ट फॉलो किया तो आप स्पेशल एक्ट फॉलो करोगे, और अगर कोई स्पेशल एक्ट नहीं है तो एक जनरल एक्ट है जिसका नाम बेटा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम फॉलो करेंगे। तो हम यहाँ पे जनरल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं। आई होप आई एम क्लियर। इन द सेम वे जब मुझे डायरेक्टर को, यहाँ पे मैंने बात की थी बेटा, डायरेक्टर को रेमुनरेशन पे करना है तो डायरेक्टर को रेमुनरेशन कितना पे करना है, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं बोल रहा। यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बेटा, ये कंपनी एक्ट के हिसाब से हुआ है। किसके हिसाब से हुआ है? कंपनी एक्ट। और यहाँ पे डायरेक्टर का जो रेमुनरेशन है वो कंपनी एक्ट बोलता है कि भाई डायरेक्टर्स को इतना रेमुनरेशन देना है। आ रहा है बात समझ में? यस। तो अब ये बोलते हैं कि मैक्सिमम रेमुनरेशन कंपनी एक्ट बोलता है कि भाई डायरेक्टर को इतना देना, तो अब वो जो मैक्सिमम रेमुनरेशन है वो जो जाएगा वो किसके हिसाब से जाएगा, कंपनी एक्ट के हिसाब से या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से? कंपनी एक्ट के हिसाब। तो अगर आपका बिजनेस एज अ कंपनी रजिस्टर है तो फिर वहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे वो किसके हिसाब से बनेंगे बेटा, कंपनी एक्ट के हिसाब से बनेगा, ना कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या यहां तक मैं क्लियर हूं या नहीं क्लियर हूं, बोलो जरा फटाफट से यस और नो। यस, आई होप आई एम क्लियर, पक्का? तो यस। तो इसका जो समरी है, एक समरी क्या बन गया बेटा कि नॉर्मली जनरली जहाँ पे कोई चीज़ अप्लाई नहीं होती, देयर वी इम्प्लीमेंट, देयर वी अप्लाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बट जहाँ पे पहले से ही कुछ एक्ट फॉलो हो रहे हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को मटेरियलाइज करने के लिए तो हम वो स्पेशल एक्ट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट को मटेरियलाइज करेंगे। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर, यस। तो यहाँ पे मर्केंटाइल लॉ में मैंने आपको दो चीज़ें बता दी कि हर जगह पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई नहीं होता, ठीक है ना। अब आता है बेटा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं स्पेसिफिकली लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करूँगा कि कौन कौन सी चीज़ें हमें इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिस्कस करनी है। देखिए यहाँ पे इट फॉर्म्स द बेसिस, मतलब आपको अगर बिजनेस करना है तो बेस आपको कहाँ से मिलेगा बेटा, यहीं से मिलेगा। अच्छा, यहाँ से कब मिलेगा, जब किसी दूसरे एक्ट में वो चीजें
अप्लाई ना हो रहे हो, मतलब जो चीज़ कहीं पे अप्लाई नहीं होगी, ध्यान से समझना बेटा, जो चीज़ कहीं पे अप्लाई नहीं होती वो चीज़ कहाँ पे अप्लाई होती बेटा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अप्लाई होती. इट इज़ कंसर्न विद इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ प्रोमिसेस, मतलब जो आपने वादा किया है तो अब वादा जुबान में नहीं किस में होगा बेटा, रिटन में होगा. यस, वो अब किस में होगा बेटा, रिटन में होगा, और वो अब क्या बन जाएगा बेटा, इविडेंस बन जाएगा. क्या बन जाएगा? इविडेंस बन जाएगा. और अब वहां पे अगर आपने प्रॉमिस को तोड़ा तो दूसरा जो शख्स होगा, जो सेकंड पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, वो आपको क्या कर सकता है बेटा, सू कर सकता है. मतलब इस लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के आने की वजह से क्या जो अब हम वादा कर रहे हैं, जो अब हम वादा कर रहे हैं, क्या उसको एक हमने क्या दे दिया, लीगल ऑब्लीगेशन दे दिया. क्या दे दिया बेटा? लीगल ऑब्लीगेशन दे दिया. इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ प्रॉमिस मतलब जो अब हम वादा करेंगे तो उस वादे की अब कीमत हो जाएगी मार्केट में, हो जाएगी. कब हो जाएगी? जब आपने वो वादा किसके हिसाब से किया बेटा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से किया. तो अब जो वादा करके आप मुकर जाते थे, अब वो वादा करके आप मुकर नहीं पाओगे. ये कौन देगा बेटा? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक बार वादा कर लिया साहब तो मुकरना नामुमकिन है. बहुत बढ़िया. अच्छा, तो अब एक बात बताओ, इसने यहाँ पे हम बात करेंगे थोड़ा सा डिटेल में बाद में, बट यहाँ पे बोल रहा है ऑब्लीगेशन के साथ, लीगल ऑब्लीगेशन है ये, क्या राइट्स भी है? बिल्कुल राइट्स हो गया. अब जैसे एग्जांपल मैं बोलता हूँ, सपोज ये बायर है, ये सेलर है, ध्यान से समझना बेटा, है ना. बायर ने क्या करना है बेटा, गुड्स, ये बायर ने इसको क्या देना है, पैसे देने हैं, और सेलर ने इसको क्या देना है बेटा, गुड्स देना है. ठीक है, अब ये जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ये क्या दे रहा है बेटा, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन. क्या बोल रहा है? राइट्स के साथ साथ ऑब्लिगेशन दे रहा है. अच्छा, जब इनने प्रॉमिस किया, जब इनने क्या किया बेटा, प्रॉमिस किया, बायर ने सेलर को क्या प्रॉमिस किया होगा कि मैं तुमको 10 लाख रुपए दूंगा, तो सेलर ने क्या बोला होगा, मैं तुमको इतना गोल्ड दूंगा. सपोज हो सकता है, यस, 100 ग्राम गोल्ड सपोज उसने बोला मैं आपको दूंगा, उसने बोला मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा. ठीक है, अच्छा, अब सेलर के पास राइट्स आए क्या, ये बताओ जरा. सेलर के पास राइट्स आया क्या? आया ना. कितने का राइट्स आया? कि ही हैज राइट टू कलेक्ट 10 लाख रुपीज, राइट टू कलेक्ट 10 लाख रुपीज फ्रॉम बायर. बराबर, ऑब्लिगेशन क्या आया बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से. प्रॉमिस किया ना, और प्रॉमिस आपने किस में कर दिया बेटा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से. तो राइट्स भी मिला उसको कि 10 लाख मिलेंगे, बट ऑब्लिगेशन क्या हो गया उसके लिए कि इसको अब 100 ग्राम्स गोल्ड देना ही पड़ेगा. मतलब सेलर के पास राइट्स भी है, ऑब्लिगेशन भी है. ऑन द अदर हैंड बायर के पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, बताओ राइट्स है क्या इसको, किस चीज का राइट्स है? ही हैज राइट टू कलेक्ट, राइट टू कलेक्ट 100 ग्राम्स गोल्ड. एम आई राइट? राइट टू कलेक्ट व्हाट? 100 ग्राम्स गोल्ड. एंड क्या इसके पास ऑब्लिगेशन भी है बेटा, बोलो ना, इसके पास ऑब्लिगेशन है क्या? क्या ऑब्लिगेशन है बेटा? ही हैज व्हाट? ऑब्लिगेशन टू पे, ऑब्लिगेशन टू पे रुपीज व्हाट? 10 लाख. वाह, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ने बहुत बढ़िया काम कर दिया बेटा. क्या कर दिया कि अब जो भी आप एग्रीमेंट करोगे, जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे, वो रिटन में होगा, एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होगा, जिसकी वजह से दोनों पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से राइट्स और ऑब्लिगेशन दोनों मिलेंगे, राइट्स और ऑब्लिगेशन दोनों मिलेंगे. बहुत बढ़िया बात होगी. ओके,
इन एब्सेंस ऑफ दिस लॉ बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर इम्पॉसिबल टू एग्जीक्यूट. ऑब्वियसली समझ में आ गया, अगर ऐसी अंडरस्टैंडिंग हम एक दूसरे के साथ रिटर्न में नहीं लिखेंगे तो कोई भी अपनी बात से मुकर सकता है. और इस केस में बेटा बिजनेस करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है. तो दूसरा कंक्लूजन ये हो गया बेटा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, कि जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या देता है, इट गिव्स व्हाट, कम ऑन लिख लेना बेटा वहां पे, राइट्स एंड नॉट और, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस टू द पार्टीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टू द पार्टीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या दे रहा है बेटा, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नंबर वन क्या कर रहा है बेटा, इट रेगुलेट्स बिजनेस ट्रांजैक्शंस. दूसरा काम क्या कर रहा है बेटा, इट प्रोवाइड्स व्हाट, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस टू द पार्टीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. पार्टीज ऑफ व्हाट, कॉन्ट्रैक्ट. पार्टीज जरूरी नहीं बेटा दो ही हो, तीन भी हो सकती, चार भी हो सकती. सो नंबर ऑफ पार्टीज कितने भी हो सकते हैं, बट हाँ दोज पार्टीज मस्ट बी मेंशनड ऑन द एग्रीमेंट, मेंशनड ऑन द एग्रीमेंट, राइट. आपने वो प्रॉपर्टी एक्ट देखा है, प्रॉपर्टी सेल डीड परचेज डीड ऑफ प्रॉपर्टी, आप उसमें देखना एक लिखा होता है फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी. तो फर्स्ट पार्टी में एक होगा जो प्रॉपर्टी को सेल कर रहा होगा और जो दूसरा पार्टी होगा प्रॉपर्टी को बाय कर रहा होगा. बट डेफिनेटली यहाँ पे भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं लगेगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे क्या लगता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. तो वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से नहीं बनेगा, वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के हिसाब से बनेगा. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आते बेटा. यस, सो ये हमने आपको बता दिया, आमिर खान कपिल, ओके, दोनों को राइट्स एंड ऑब्लिगेशन मिल जाएगा. एप्लीकेबिलिटी टू बिजनेस कम्युनिटी एज वेल एज अदर्स. ओके, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज एप्लीकेबल नॉट ओनली टू बिजनेस कम्युनिटी बट ऑल्सो टू अदर्स. एवरी वन ऑफ अस एंटर्स इन टू मेनी कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन डे टू डे बेसिस. ओके, एग्जाम्पल के तौर पे यू आर एंटरिंग इन टू द कॉन्ट्रैक्ट वेन यू बाय अ बुक. ओके ओके, सो ये जो बोल रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ध्यान से समझना बेटा, ये बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन ही नहीं बन रहा, बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन नहीं बन रहा, बल्कि ये क्या बन रहा है बेटा, बिजनेसमैन टू कस्टमर भी बनता है ना. जैसे बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन अगर मैंने एग्जाम्पल दे दी, दैट इज व्हाट, होलसेलर एंड रिटेलर. रिटेलर ने बल्क में होलसेलर से कुछ मंगाया, तो ये जो ट्रांजेक्शन है दो बिजनेसमैन के बीच में, बिजनेस कम्युनिटी. बट कस्टमर ने अपने यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए कुछ बिजनेसमैन से परचेस किया या रिटेलर से परचेस किया, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना बेटा ये बिजनेस कम्युनिटी एंड आउटसाइडर के बीच में बना. आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर. अच्छा ठीक है, चलो तो यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई. क्या बोला मैंने यहाँ पे, तीसरा रूल आप लिख लो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, इट इज एप्लीकेबल टू, इट इज एप्लीकेबल विद इन बिजनेस कम्युनिटी as well as outside, as well as with outsider. बराबर है? Okay. Source of law of contract. ये बहुत important है. Law of contract किन चीजों की वजह से apply हो रहा है? ऐसे कौन से तत्व हैं, ऐसे कौन से factor हैं जिसकी वजह से law of contract apply होता है? Law of contract in India is contained in Indian Contract Act. ठीक है, the act come into force, okay, in 1 September 1872, and it applies to whole of India. Oh, except the state of Jammu and Kashmir. जब ये बेटा act आया था, जब ये act आया था, तो ये जो एक्ट है ये जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई नहीं होता था. इसकी कहानी मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, बट अभी
कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस में अमेंडमेंट आए, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आया बेटा, अमेंडमेंट आया और उसके आर्टिकल्स को रिमूव किया गया, जिसकी वजह से जम्मू एंड कश्मीर, जहां पे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई नहीं होता था, अब अप्लाई होने लगा। बराबर है। तो अब जो जम्मू एंड कश्मीर था, मेरी बात समझना, पहले क्या था बेटा, स्टेट, नाउ इट बिकम्स व्हाट, यूनियन टेरिटरी। ठीक है, स्टेट में कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का शासन नहीं था, बट जैसे यूनियन टेरिटरी बनी, और चूंकि यूनियन टेरिटरी में हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल अप्लाई होता है, शासन अप्लाई होता है, इसलिए अब जो चीजें इंडिया में लगेंगी, जो चीजें इंडिया में लगेंगी, वो चीजें अब जम्मू एंड कश्मीर में भी अप्लाई होगी। इसका बेसिक जो हिस्ट्री है ये मैं आपको नेक्स्ट सेशन पे बताऊंगा, अभी तो आप सिर्फ इतना समझ लो, इंडिया का मतलब अब जम्मू एंड कश्मीर भी है। मतलब पहले ये होता था कि हम जम्मू कश्मीर से पूछते थे कि भाई तुमको ये लगाऊं या नहीं लगाऊं, इसलिए वहां पे हर एक एक्ट को उनकी परमिशन से लगाया जाता था या नहीं लगाया जाता था, बट अब ऐसा नहीं है। अब क्या हो गया कि जैसे ही चीजें इंडिया में अप्लाई होगी तो वो जम्मू कश्मीर को भी अप्लाई होगी, जो चीजें इंडिया से बाहर जाएंगी या जो चीजें इंडिया के जुरिस्डिक्शन में नहीं आएगी, वो चीज अब जम्मू एंड कश्मीर के भी जुरिस्डिक्शन में नहीं आएगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है। ये बोलता है साहब, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलता है किस चीज को हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माने, इट कंप्राइजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आ जाओ, अभी तक मैं बात कर रहा था बेटा कॉन्ट्रैक्ट किसके हिसाब से होना चाहिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से। मैंने क्या बोला था, आपके जो प्रॉमिस हैं वो अब ओरल नहीं होएगा, वो कैसा होएगा बेटा, एज अ एविडेंस माना जाएगा। कब, जब आप उसमें क्या लगा देते हो बेटा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और मैंने बताया था यहां पे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जब चीजें अप्लाई होंगी तो इसके टर्म्स एंड कंडीशंस, इसके क्लॉजेस जो इस एक्ट के अंदर है, वो सारी चीजें अप्लाई होगी। अगर वो एक्ट, वो सारी चीजें अप्लाई नहीं हुई तो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या माना जाएगा बेटा, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से नहीं बनाया। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब मानेगा बेटा, इट सेज विच पर्संस आर कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू इनफोर्सेबल एग्रीमेंट, मेंशंस द केसेस इन विच एग्रीमेंट्स आर अवॉइडेबल, इट डिक्लेयर सर्टेन एग्रीमेंट्स वॉइड, इट डील्स विद परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट प्रिस्क्राइब्स रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं देखो मैं आपको बताता हूं। नंबर वन, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब हो सकता है, जो बहुत सारी चीजें डिस्कस करें। नंबर वन, वो क्या हो बेटा, कैपेबल हो। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो बेटा, कैपेबल हो। अभी इन चीजों का मतलब मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा, अभी सिर्फ शब्दों को बता रहा हूं। दूसरा बोलता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा बोलता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट, परफॉर्मेंस ऑब्लिक डिस्चार्ज। सम कॉन्ट्रैक्ट्स आर वाइड कॉन्ट्रैक्ट। ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको तब समझ में आएगी जब आप एक्ट पढ़ोगे, राइट। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए हर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कैपेबल होना चाहिए, हर तरीके से मतलब एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जैसे एग्जांपल, जबरदस्ती किसी के साथ या गन पॉइंट पे किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनवाना वैलिड है क्या, नहीं है। मतलब जब सामने वाला आपसे कॉन्ट्रैक्ट बनाए तो ध्यान से वो क्या होना चाहिए बेटा, फ्री कंसेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फ्री कंसेंट, मतलब उसका जो कंसेंट है, उसकी जो हामी है, उसकी जो एक्सेप्टेंस है, वो फ्री होनी चाहिए, उसका खुद का दिमाग होना। किसी भी फोर्स में या किसी भी तरीके से अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट कभी वैलिड नहीं होगा। तो कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आप किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट बनाओ 18 साल के ऊपर होना चाहिए। अब ये 18 साल के ऊपर होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, कौन बताएगा बेटा, ये सारे के सारे सेक्शंस
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। क्लियर? सेम वे पे परफॉर्म ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब माना जाएगा? अगर आपने बेटा प्रॉमिस किया बट आपने उसे फुलफिल नहीं किया तो हम उसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मान लें, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आगे बात समझ। अगर ब्रीच ऑफ कॉन्सेंस कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ये भी हमको समझने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट कब कैपेबल होगा, परफॉर्मेंस हम कब मानेंगे, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया, अगर परफॉर्मेंस नहीं हुआ तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। राइट, कुछ कॉन्ट्रैक्ट हम वाइड कॉन्ट्रैक्ट मान लेते हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ अब ये जो चीज़ें हो रही है, मेरी बात समझना, ये कौन बताएगा कि परफॉर्मेंस हुआ है या नहीं हुआ है, वाइड है या नहीं है, वैलिड है या नहीं है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा या नहीं होगा? तो जब भी ऐसे सिचुएशंस आएंगे, राइट, तो हम कैसे माने, कोर्ट कैसे माने कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या वाइड कॉन्ट्रैक्ट है, या परफॉर्मेंस पार्टी ने किया या नहीं किया, डिस्चार्ज किया नहीं किया, ब्रीच तो नहीं किया किसी ने, मतलब कैंसिल तो नहीं किया किसी ने, ये कैसे मानेंगे? तो देयर आर ओनली 3 सोर्सेज जहां से आप डिक्लेयर कर पाओगे कि चीजें वैलिड तरीके से परफॉर्म हुई है या नहीं हुई है। ब्रीच तो नहीं हुआ है, ब्रीच हुआ है तो कौन सी, ये 3 जगह से चीजें आएंगी। नंबर 1 देखिए यहां पे दिया हुआ है बेटा, अपार्ट फ्रॉम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से तो आप डिसीजन लेगा ही कोर्ट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट 2 चीजें और हैं जहां से आप डिसीजन ले सकते हैं, कोर्ट डिसीजन ले सकते हैं। देखो, द अदर सोर्सेज ऑफ लॉ कॉन्ट्रैक्ट आर जुडिशियल डिसीजंस। अब ये क्या होता है जुडिशियल डिसीजन, समझिएगा बात को। से सपोज मान लो बायर था और क्या था बेटा सेलर, सेलर ने बोला बायर को कि विल यू बाय माई कार एट द रेट ऑफ रुपीज 5 लैक्स। बायर ने बोला हाँ, कंसेंट दे दिया उसने, इसने कार इसको दे दिया बट इसने मनी इसको ट्रांसफर नहीं किया। कार तो उसने दे दी, मनी ट्रांसफर नहीं किया, मतलब इसने अपना परफॉर्मेंस कर दिया बट इसने परफॉर्मेंस अपना नहीं किया। क्लियर और नॉट क्लियर? अब जब इसने पैसे नहीं दिया तो पैसे ना देना इज कॉल्ड एज व्हाट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब फेल टू पे, क्या बोला मैंने, फेल टू पे कंसिडरेशन, फेल टू पे consideration is called as breach of contract. समझना बात को, ये बात act भी बोल सकता था, पर अगर act नहीं बोला, अगर act नहीं बोला तो ये case, चूंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो था ही बट चूंकि एक्ट साइलेंट था कि अगर मैंने भाई वो बोलता कंसिडरेशन होना चाहिए, बोले ठीक है होना चाहिए, दे दिया बहुत बढ़िया। अब उसने अगर कंसिडरेशन पे नहीं किया, अब पे नहीं किया तो क्या ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है? अगर ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो एक्ट ने इसको लिखना चाहिए था, एक्ट ने नहीं लिखा तो सामने वाले ने समझा कि नहीं भाई कंसिडरेशन होना चाहिए बट नहीं पे करना इज नॉट अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो उसने नहीं पे किया। सामने वाले ने बोला भैया मेरे को तो पैसा नहीं मिला, तो उसने क्या कर दिया बेटा, केस कर दिया पुलिस स्टेशन में, केस गया कोर्ट के पास, कोर्ट ने डिसीजन लिया यस इट इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कोर्ट ने डिसाइड कर दिया यस इट इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, अब मेरी बात समझ गया। अब जब कोर्ट ने डिसाइड कर दिया हो गया, अब ये कोर्ट का डिसीजन आ गया बट बाकी सारे इंडिया के अलग अलग लोगों को इस डिसीजन के बारे में नहीं पता था, सभी ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही पढ़ के रखा हुआ था। तो अगेन सेम ट्रांजैक्शन हुआ दो पार्टी के बीच में, इसने कार दी या सपोज कोई भी गुड्स है बट इसने पेमेंट नहीं किया, इसने बोला लॉ में लिखा ही नहीं है, क्या अब ये केस फिर से जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास? नहीं,
ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये कहां से पता चल जाएगा बेटा? डिसीजन से. सेम डिसीजन विल बी अप्लाइड टू ऑल अदर केसेस सिमिलर टू द मेन केस. मतलब जिस केस पे ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन ले लिया, और सुप्रीम कोर्ट से तो ऊपर अब कोई होता नहीं है, तो जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया, वर्डिक्ट आ गया, जजमेंट आ गया, राइट, तो वो भी इक्विवेलेंट टू क्या मान लिया जाएगा बेटा? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से. आए बात समझे? तो जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसे भी हम एक्ट के लिए फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, बहुत बढ़िया. आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर. बहुत बढ़िया. एक और एग्जांपल लेता हूँ, मेरे को बताना जरा. ठीक है, मैंने बोला शेव लोशन प्रोडक्ट है. शेव लोशन प्रोडक्ट था, तो से सबको एग्जांपल लेते हैं. अगर ये प्रोडक्ट क्या है, टॉयलेट प्रोडक्ट्स है, टॉयलेट प्रोडक्ट है, तो इसमें से सपोज मान लो बेटा जीएसटी लगती है. तो बेसिक प्रोडक्ट है ना, तो बेसिक प्रोडक्ट से सपोज मान लो जीएसटी लगती है बेटा 5%. से सपोज मान लिया मैंने, और यहां पे एक लिखा हुआ है मेडिसिनल प्रोडक्ट. मेडिसिनल प्रोडक्ट पे जीएसटी से सपोज इसको मान लेता हूँ सपोज 12% ले लेता हूँ, इसको सपोज मैं ले लेता हूँ 5%. से सपोज ओके. अब शेव लोशन प्रोडक्ट था और जिसमें से ये टॉयलेट प्रोडक्ट आ रहा है, अगर इसे आप टॉयलेट प्रोडक्ट मानते हो जीएसटी के हिसाब से, तो कितना है बेटा? 10% है. और अगर मेडिसिनल प्रोडक्ट मानते हो तो 5% है. अब जीएसटी एक्ट अगर आप पढ़ो, और पूरा एक्ट पढ़ा, उसमें से ये कहीं नहीं लिखा हुआ था शेव लोशन प्रोडक्ट जो है वो टॉयलेट है या मेडिसिनल है, तो एक्ट वॉज वेरी मच साइलेंट. ठीक है, तो ये केस कहां पे गया होगा बेटा? कोर्ट के पास. कोर्ट का भी डिसीजन अभी तक पेंडिंग था. पहले के केस में कोर्ट का डिसीजन आ गया था, कोर्ट का जब डिसीजन आया तो हमने कोर्ट के डिसीजन को फॉलो किया. अब कोर्ट का डिसीजन नहीं आया, अब बताओ जीएसटी नहीं पे करोगे क्या? जीएसटी बेटा नहीं पे करोगे तो पेनाल्टी बैठेगा. भाई जीएसटी नहीं पे किया, आपको तो पता ही है जीएसटी हर महीने पे करना ही पड़ेगा, नहीं पे किया तो पेनाल्टी बैठता है. तो बोले साहब इसके चक्कर में अगर हम जीएसटी पे नहीं करेंगे तो हमारी पेनाल्टी बढ़ जाएगी, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स, नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न. सही बात है. तो अब जो जीएसटी भरी जा रही थी, कस्टमर ये सोच के भर रहा था यार कम वाला भर दो मेडिसिनल मान के, क्या मिला मान के? 5%. कुछ कस्टमर सोच रहा था भाई 10% मान के. आ रहा है बात समझ में? क्वेश्चन ये है, मेरी बात समझ रहे? 5% अगर आप जीएसटी भरोगे और कोर्ट का डिसीजन आ गया नहीं ये टॉयलेट प्रोडक्ट है, तो बेटा 10% मतलब 5% एक्स्ट्रा टैक्स भरना पड़ेगा, फिर उसकी पेनाल्टी भरनी पड़ेगी, उसका भी इंटरेस्ट भरना पड़ेगा. तो बोले यार आज 5% तो मैं भर दूं, बट कल को अगर डिसीजन 10% के हिसाब से आ गया तब तो हम मर जाएंगे. बोले हाँ साहब. बोले क्या किया जाए फिर? बोले कोई बात नहीं. तो एक व्यापारी दूसरे व्यापारी के पास गया, बोला भाई बताओ क्या किया जाए, 5% 10%. तो दोनों ने डिस्कस किया, बोले यार मेडिसिनल प्रोडक्ट और टॉयलेट प्रोडक्ट. तो बोला मेडिसिनल है. बोले कैसे? वो बोले साहब ऐसा मेडिसिन यूज़ करते अपन, उसको गाल भी लगाते तो उससे जो जर्म्स वगैरह है या इन्फेक्शन नहीं होता, इन्फेक्शन नहीं होना मतलब मेडिसिनल. बोले अच्छा साहब. बोले मेडिसिन आप कब खाते हो? बुखार ना हो इसलिए मेडिसिन खाते या बुखार होने के बाद मेडिसिन खाते हो? बोले साहब बुखार होने के बाद मेडिसिन खाते हो. तो बोले साहब टॉयलेट प्रिपरेशन ये जो आप शेव लोशन लगाते हो ये इन्फेक्शन होने के बाद लगाओ, और अगर इसको लगाने से इन्फेक्शन खत्म हो गया तब तो मैं मानूंगा ये मेडिसिनल प्रोडक्ट है. आप तो जितने बार शेव करते हो आप शेव लोशन लगाते हो, उसमें फ्रेग्रेंस भी रहती, खुशबू आती, अच्छा लगता है.
तो आप डेफिनेटली इसे एज अ मेडिसिन यूज नहीं करते, मेडिसिन रोज नहीं खाई जाती है, पर शेव लोशन आप जितनी बार शेव करोगे उतनी बार लगाना पड़ेगा। बोले हाँ सर। तो इन दोनों लोगों ने, एक ने माना, एक बिजनेस ने माना कि भाई मेडिसिनल प्रोडक्ट है, उसने 5% भी ड्यूटी पे कर दी जीएसटी, और एक ने माना टॉयलेट प्रोडक्ट है, उसने 10% भी जीएसटी पे कर दिया। ठीक है, तीसरा वाला आया दोनों से पूछने, अरे बात समझ, बोले मैं कहाँ पे जाऊं? और बोला साहब लोगों से पूछते तो एक ने बताया 5%, एक ने बताया 10%। तीसरे से पूछा, उसने बोला नहीं 10% है मेरे हिसाब से तो टॉयलेट है। चौथे से पूछा टॉयलेट है, बोले क्यों साहब टॉयलेट क्यों? बोले साहब ये हम टॉयलेट में यूज करते हैं, जब हम शेविंग करते हैं तब इसको यूज करते हैं, तो मेरे हिसाब से ये टॉयलेट होना चाहिए। आम बोलचाल की भाषा में जो पब्लिक डिसीजन आया, मैंने क्या बोला बेटा, आम बोलचाल की भाषा में जो पब्लिक डिसीजन आया है मेजॉरिटी में, उस डिसीजन को हम फॉलो करते हैं कि व्यवसायिक दृष्टिकोण से बिजनेस मार्केट में जो लोगों के दिमाग में एक बेसिक आइडियोलॉजी है इस प्रोडक्ट के प्रति, वो कहाँ पे आ रही है बेटा, टॉयलेट में आ रही है। तो कोर्ट भी जब डिसीजन लेती है, इन एब्सेंस की एक्ट भी कुछ नहीं बोल रहा, एक्ट साइलेंट है, एक्ट बता ही नहीं रहा कि साहब कहाँ पे आएगा प्रोडक्ट। दूसरा, एग्जिस्टिंग कोई कोर्ट डिसीजन है नहीं, तो फिर कोर्ट खुद कॉमन पार्लेंस थ्योरी अप्लाई करती है, कॉमन पार्लेंस थ्योरी अप्लाई करती है, डिसाइड करने के लिए कि ये कोर्ट, ये जो प्रोडक्ट है ये इस ग्रुप में आना चाहिए या इस ग्रुप में। और कोर्ट ने कॉमन पार्लेंस थ्योरी को अप्लाई किया, तो जब उसने सबसे पूछा कि मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस मेंबर से पूछा गया, तो उन्हें बताया साहब मेरे हिसाब से तो टॉयलेट पे आना चाहिए, तो उसने टॉयलेट के फेवर पे डिसीजन दिया। तो मतलब जब भी हम कोई भी प्रॉब्लम्स होगी किसमें बेटा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो ये बोलता है अदर सोर्सेज ऑफ लॉ अपार्ट फ्रॉम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज नंबर वन कोर्ट डिसीजन, और इफ देर इज नो कोर्ट डिसीजन अवेलेबल देन कॉमन ट्रेड पार्लेंस थ्योरी विल बी अप्लाइड। देखो क्या बोलते हैं, कॉमन ट्रेड पार्लेंस थ्योरी रिफर्स टू अ जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस, जनरली जो जनरल पब्लिक जनरली फॉलो करती है, और बिहेवियर अमंगस्ट मेंबर ऑफ बिजनेस कम्युनिटी, इट इज टू बी लीगली बाइंडिंग ओनली व्हेन इट मस्ट नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद स्टैट्यूटरी लॉ। मतलब कोर्ट ने जो डिसीजन लिया वही, और जो मेजॉरिटी मेंबर्स ने, बिजनेस मेंबर ने डिसीजन लिया था, अगर दोनों का डिसीजन सेम आ रहा है, आ रहा है बात समझ में, तो फिर डेफिनेटली ये अप्लाई हो जाएगा, आ रहा है बात समझ। तो अगर मैं मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक एक्ट होता है, उसमें वो सारे लिस्ट दिए जाते हैं, और वहाँ पे जब देखा गया तो ये पाया गया कि जो शेव लोशन प्रोडक्ट था वो मेडिसिनल टॉयलेट प्रिपरेशन में, इसमें मेडिसिनल टॉयलेट प्रिपरेशन जो प्रोडक्ट था उस कैटेगरी में टॉयलेट प्रोडक्ट के अंदर कंसीडर किया गया था, ठीक है, तो उस एक्ट को दिमाग में रखे। मतलब स्टैट्यूटरी लॉ क्या बोलता है कि हमने वो एक्ट में जाके जब लिस्टिंग देखी तो वहाँ पे वो प्रोडक्ट टॉयलेट में कवर था, और आम बोलचाल की भाषा भी टॉयलेट के लिए जा रही है, तो फिर आम बोलचाल की भाषा अप्लाई कर ली जाएगी। बट अगर आम बोलचाल की भाषा इस स्टैट्यूटरी लॉ के अगेंस्ट में गई तो फिर स्टैट्यूटरी लॉ अप्लाई हो जाता है। I hope I am clear or not clear. Yes. तो बेटा जब भी कोई मुद्दा अराइज होगा किसमें, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, तो आप उस मुद्दे को सॉल्व कर सकते हो नंबर वन बाई अप्लाइंग वर्ड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर ये साइलेंट है देन जुडिशियल डिसीजन, आया बात समझ में, जुडिशियल डिसीजन, बट जज को डिसीजन अगर ऑलरेडी है तो आपको कॉमन पार्लेंस थ्योरी पे जाने की जरूरत नहीं, बट अगर जजमेंट भी नहीं आया हुआ है, कोई जजमेंट नहीं है, तो फिर हम तीसरा जो अप्लाई कर लेंगे, दैट इज थर्ड इज कॉमन पार्लेंस।
तो ये तीन सोर्सेज ऑफ लॉ रहेंगे हमारे, एक तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खुद रहेगा, अगर वो नहीं है तो जुडिशियल डिसीजन, लोग जुडिशियल डिसीजन भी अगर नहीं आया हुआ है कोई तो फिर कॉमन पार्लेंस थ्योरी हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा हमारे पास, एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव। ये हम बेसिक आइडिया दे रहे हैं, अभी तो हमने एक्ट बेटा टच भी नहीं किया है ना। ये क्या बोलता है, एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया आपसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव एंड नॉट एप्लीकेबल टू ऑल द ब्रांचेस ऑफ द लॉ। मैंने बताया था, मैंने बताया कि अगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, मतलब अगर आप सेल ऑफ हाउस कर रहे तो कौन सा एक्ट लगेगा बेटा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। गुड्स सेल कर रहे, सेल ऑफ गुड्स, तो क्या लगेगा बेटा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। अगर आप पेमेंट थ्रू चेक कर रहे तो पेमेंट थ्रू चेक आ गया, अगर तो फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। एंटरिंग इनटू पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। आई होप आई एम क्लियर। यस, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर डिफरेंट डिफरेंट चीजें अप्लाई होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन है जहां पर डिफरेंट डिफरेंट एक्ट अप्लाई होते हैं तो वो आप स्पेसिफिक एक्ट लगाओगे, जहां पर कोई एक्ट अप्लाई नहीं होता तो फिर वहां पर जनरली आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगा दे। तो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, वो जनरल चीजों पर डिस्कशन करता है, कभी भी स्पेशल चीजों पर डिस्कशन नहीं करेगा। सो ये यहाँ पे देखो लिखा है, दस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंटेन्स ओनली जनरल प्रिंसिपल, जो हर कॉन्ट्रैक्ट में अप्लाई होता है। कहने का मतलब क्या है, चाहे आप हाउस सेल करो, गुड सेल करो, या चेक के थ्रू पेमेंट करो, या कुछ भी करो, इन चीज़ों में जो जनरल चीज़ें हैं वो हर जगह अप्लाई हो रही है, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। बट उनकी कुछ स्पेशल चीज़ें होती है जिसकी वजह से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सफिशियंट नहीं होता। मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे प्रोविज़न, मैक्सिमम प्रोविज़न इन सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट, इन सारे के सारे एक्ट्स में अवेलेबल होंगे, बट इन सारे एक्ट के जो खास खास चीज़ें हैं वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में अप्लाई नहीं होती है। जैसे मैंने एग्जांपल बोला, अगर आपने टैक्स पे नहीं किया तो कॉन्सिक्वेंसेज लगे, तो कॉन्सिक्वेंसेस, जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हिस्सा है, जो कि हर एक अलग अलग एक्ट में दिया हुआ है, बट हर एक के कॉन्सिक्वेंसेज अलग अलग है, स्पेसिफिक हैं। टैक्स के केस में स्पेसिफिक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी केस में स्पेसिफिक है, राइट, किसी को अरेस्ट विदाउट वारंट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं दिया है, बट टैक्स में है कि भाई अगर कोई भी क्राइम आप करते हो या टैक्स नहीं पे करते हो तो मैं कॉग्निजेबल ऑफेंस मान लूँगा, हो सकता है अरेस्ट विदाउट वारंट हो, है ना। तो कहीं पे स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, इसलिए हम वो स्पेसिफिक एक्ट को फॉलो करते हैं। नाउ ये बेसिक चीज़ें होगी कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है इट इज़ नॉट एन एग्जॉस्टिव, ठीक है। व्हाट इज द स्कीम ऑफ एक्ट, ये भी मैंने आपको बता दिया बेटा, सेक्शन से रिलेटेड है। तो सेक्शन जो है 1 से 75 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई होगा। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट हम आईपीसीसी में इंटर में पढ़ेंगे, दैट इज सेक्शन 124 से लेके 238 तक, जो कि अभी नहीं पढ़ रहे, बट 76 to 123 जो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये हम पढ़ेंगे। इसके बाद 239 to 266 हम पार्टनरशिप पढ़ेंगे। इसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप आती है, देन कुछ बेसिक प्रोविजंस हैं कंपनी एक्ट से रिलेटेड, हम वो पढ़ेंगे। तो बेटा इन दो लेक्चरों में हमने बेसिक आइडिया आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का दे दिया है। नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स हम जो है अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इजाज़त दें तब तक के लिए, फिर मिलते हैं इसी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।